नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज वर्मा टावर नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजमगढ़ में महिला कल्याण विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए जिला महिला अस्पताल में आयोजित कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा जिला महिला अस्पताल में जन्मे नवजात शिशुओं की माताओं में बेबी किट, मिष्ठान एवं वस्त्र वितरित किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने CMS को निर्देश दिया कि जिला महिला अस्पताल में जो भी नवजात शिशु पैदा हुए हैं उनका निर्धारित समय पर टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देश दिया कि महिला अस्पताल में जो भी नवजात शिशु पैदा हो रहे हैं उन्होंने उनको कन्या सुमंगला योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर नवजात शिशुओं की माताओं की उपस्थिति में केक काटकर कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। जिला महिला अस्पताल के CMS डॉक्टर प्रभु दयाल गुप्ता ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के लिंगानुपात को बराबर करना है। उन्होंने कहा कि कन्या जन्मोत्सव का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है तथा समाज में बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना है। आज सर क्या कार्यक्रम मनाया गया महिला? आज 11 जुलाई मंगलवार को एक कार्यक्रम रखा गया था कन्या जन्मोत्सव का, बाल महिला कल्याण जिला महिला कल्याण विभाग की तरफ से, और जिसमें जितने भी कन्याओं का जन्म हुआ है हमारे जिला महिला चिकित्सालय आजमगढ़ में, उन कन्या नवजात शिशुओं को जो है उनका जन्मोत्सव मनाते हुए उन्हें कुछ गिफ्ट वगैरह प्रदान करने का कार्यक्रम था, जो जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ये कार्यक्रम पहले से तय था और जिलाधिकारी महोदय का आगमन हुआ और सर ने जो है टाइम से पहुँच करके सभी जो भी जितनी भी हमारी नवजात कन्या थी उनको जो है उन्होंने गिफ्ट दिया है और ये कामना की है कि हमारी जो कन्या हैं वो उनका हर तरह से शक्तिवर्धन हो, हर तरह से वो आगे बढ़े। केक वो कभी कटेगा केक वो भी कटेगा? हाँ, चूँकि ये जन्मोत्सव का कार्यक्रम है इस नाते केक कटने का भी किसमें प्रोग्राम है और एक केक का कार्यक्रम इसके बाद होगा। सर अपना पर्ची बताते हुए क्या कार्यक्रम? मैं BL यादव जिला प्रोबेशन अधिकारी आजमगढ़। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना को लागू करने का उद्देश्य महिलाओं के लिंगानुपात के अंतर को पाटना है। उसके अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे नवजात कन्याएं जो जिला महिला चिकित्सालय में पैदा हुई थी उनको बेबी किट, मिष्ठान, वस्त्र व केक काट के इसको हम लोगों ने संपन्न किया कराया है। और क्या समाज में संदेश देना चाहेंगे सर? अब इसमें हम लोगों का यही है कि जो भी बेटियां पैदा होती हैं उनको समान शिक्षा के अवसर से वंचित न किया जाए, उनका सशक्तिकरण किया जाए, इसका उद्देश्य यही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से इन जो भी एकल बच्चियां हमारी हैं उनको इस योजना से भी जोड़ा गया।